जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के दौरे का शेड्यूल जारी हो चुका है, तो वहीं पर कपिल देव सर ने एक बार फिर से विराट कोहली पर काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट उनको ड्रॉप करने तक की बात कह दी है। और साथ ही साथ आज भारतीय टीम दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, और उसको लेकर जो भी तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। कमाल क्रिकेट के एपिसोड में कमाल खबरें आपके सामने परोसी जा रही है, लेकिन उसके पहले एक दरख्वास्त भी की जा रही है हमारी तरफ से कि अगर आपको हमारा ये पूरा एपिसोड वीडियो पसंद आता है इसी तरीके से तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, और जो पहली खबर है वो है भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे को लेकर। 2022 में भारतीय टीम 3 वनडे मुकाबले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे, और पहला वनडे मुकाबला आपको 18 अगस्त को, दूसरा 20 अगस्त को, और तीसरा वनडे मुकाबला आपको 22 अगस्त को जिम्बाब्वे में देखने को मिलने वाला है। वहीं पर दोस्तों ये बातें भी साफ कर दी गई हैं कि मोस्ट प्रोबेबली भारतीय टीम अपना सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड यानी कि अपना जो बैकअप स्क्वाड होता है उन्हें जिम्बाब्वे भेजेंगे, और बहुत सारे मेन प्लेयर्स इस टूर को मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर दोस्तों दूसरी खबर में आपको यह भी बता दूं कि जिम्बाब्वे के लिए रिपोर्ट्स ने यह भी क्लेम किया है कि भारतीय टीम 15 अगस्त को रवाना होगी, यानी कि जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है उसी दिन भारतीय टीम ट्रेवल भी करती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे जाएंगे जहां पर उन्हें 18 अगस्त से श्रृंखला खेलनी है। और तीसरी खबर है भाई साहब कपिल देव सर का कॉमेंट जो उन्होंने विराट कोहली पर किया है और काफी बुरी तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया है। जब उनसे पूछा गया कि भाई T20 वर्ल्ड कप सामने है और T20 इंटरनेशनल में विराट की फॉर्म कुछ खास ज्यादा बेहतर है नहीं, तो क्या टीम उनको ड्रॉप कर सकती है, तो उन्होंने बोला कि अगर विश्व के नंबर 2 गेंदबाज एक समय पर रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया जा सकता है, तो आखिर नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली को आखिर क्यों ड्रॉप नहीं किया जा सकता, ये उनका जवाब था। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर किया कि भाई साहब अगर खिलाड़ी की फॉर्म नहीं है तो आप उन्हें ड्रॉप करो, आप संकोच मत करो कि वो नंबर 1 बल्लेबाज हैं, इतने बड़े बल्लेबाज हैं या क्या कुछ है। और साथ ही साथ वो यहीं तक चुप नहीं रहे, उनसे जब ये भी मतलब इसके बारे में और ज्यादा कंक्लूड करने को बोला गया तो उन्होंने बोला कि देखिए आप एक एस्टैब्लिश्ड बल्लेबाज हो सकते हो, आप एक एस्टैब्लिश्ड खिलाड़ी हो सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लगातार निरंतर मौके दिए जाएंगे इस चीज को ध्यान में रख के, इसके बावजूद भी कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अगर आप लगातार 5 मुकाबले में फेल हो रहे हो तो आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, कितने भी एस्टैब्लिश्ड बल्लेबाज हो, आपको ड्रॉप किया जाएगा और ड्रॉप करना भी चाहिए क्योंकि टीम को हमेशा करंट सिचुएशन देखनी चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड्स नहीं, ये यहां पर कपिल देव सर ने कहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफी ओपनली यहां पर विराट कोहली के फॉर्म को लेकर कड़े स्टेटमेंट दिए हैं, एंड एशिया कप T20 वर्ल्ड कप में आगे बढ़ते हुए बहुत ही साफ कहा है कपिल देव सर ने कि अगर उनकी फॉर्म है तो आप उन्हें प्लेइंग 11 में रखिए, नहीं तो आप उन्हें ड्रॉप करिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, आज भी दोहराऊंगा, आज का मुकाबला विराट कोहली खेलेंगे बहुत क्रूशल होगा, बहुत क्रूशल मुकाबले हैं जो भी अब आगे आने वाले समय में विराट कोहली खेलने वाले हैं। खैर इसके बाद दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आज मुकाबला खेलेंगे, आज मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम दूसरा T20 इंटरनेशनल एडगबेस्टन के मैदान पर, और आपको पता है कि एडगबेस्टन में आज एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज लगाई गई हैं और कहीं ना कहीं क्राउड में भी एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं मेंबर्स रखे गए हैं ताकि पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ कंडक्ट कराया जा सके मैचेस। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि जो दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला आज है वो आपको शाम 7 बजे से भारतीय समय अनुसार देखने को मिलेगा। लोग काफी कंफ्यूज थे क्योंकि पहला मुकाबला देर रात 11 बजे 11:30 बजे शुरू हुआ था, लेकिन ये मुकाबला आपको 7 बजे से ही देखने को मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि इंग्लैंड में लगभग दोपहर के आसपास ही मुकाबला शुरू होने वाला है। और भैया जब मुकाबला शुरू हो रहा है तो टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 भी तो हम बनाएंगे, कहां बनाएंगे, एक ही तो डेस्टिनेशन है हमारा, आपका फेवरेट माई 11 सर्कल एप्लीकेशन, क्योंकि यहां पर ना इतने तगड़े ऑफर है और मैंने तो टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 बनाकर टेलीग्राम पर रख भी दी है, आप लोग फटाफट से जाके जुड़ जाइए अब, क्योंकि मुझे ना भाई साहब मुझे 1 करोड़ का प्राइस चाहिए, माई 11 सर्कल दे रहे हैं फर्स्ट प्राइस 1 करोड़ रुपीज, दिस इज अमेजिंग, महिंद्रा थार मिल रही है भैया श्रृंखला में जो बेहतरीन करेगा, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो ऐसे में किस बात का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 बनाओ, और उसमें भी मदद करने के लिए हम किस लिए बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं भैया, टेलीग्राम पर आपको टॉप क्वालिटी फैंटेसी 11 मिल जाएगी, फटाफट से जाइए जुड़ जाइए और ताबड़तोड़ टीम बनाइए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, एक्सक्लूसिव लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, और आप मेरा कूपन कोड भी तो यूज कर सकते हो, बड़े सारे ऑफर से फटाफट से आगे बढ़िए, और उसके बाद हम भी आगे बढ़ जाते हैं, बातचीत करते हैं यहां पर
सौरभ गांगुली सर के बारे में। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली सर से जब यहाँ पर पूछा गया कि भैया कुछ ज़्यादा हम कप्तानी वाला म्यूजिकल चेयर नहीं खेल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि इतने कम समय में इतने कप्तान बदलना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी जो है क्रिएट हो गई कि हम कुछ खास ज़्यादा कर नहीं सकते थे। अब रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव हो गए तो फिर वो मतलब हमें किसी और की तरफ देखना पड़ा, फिर केएल राहुल को हमने बनाया था वो भी इंजर्ड हो गए, तो ये सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जा रहे हैं कि भाई हमें नए कप्तान की तरफ देखना पड़ रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव रखते हैं। और इसके बाद जो नया आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम बहुत ही जल्द आने वाला है उसको लेकर ये खबर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्लेम की है कि अब भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे स्पेशली फॉर टेस्ट सीरीज, तो आपको जो अब तक 4 टेस्ट मुकाबले देखने को मिलते थे अब वहां पर 5 टेस्ट मुकाबले देखने को मिलेंगे। एंड 2024 से 2032 तक जो नया एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम आईसीसी लॉन्च करने वाली है उसमें भारतीय टीम 2 बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जाकर 5-5 टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अगर आप एफटीपी का इंतजार कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं शेड्यूल की कौन भैया किससे भिड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि वो आईसीसी की जो एनुअल मीटिंग होने वाली है बर्मिंघम में July 25 एंड July 26 के आसपास, वहां पर आपको फ्यूचर टूर प्रोग्राम कंप्लीटली रिलीज होता हुआ नजर आएगा। 2024 से 2032 के आपको सारे मैचेस और मेगा इवेंट्स वहां पर तारीख और पते के साथ मतलब मंथ्स के साथ देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल क्योंकि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मुकाबला चल रहा था, वहां पर मारस लगुशैग ने और साथ ही साथ स्टीव स्मिथ ने अपने शतक का सूखा कमर जो है मतलब भर दिया है, बेसिकली उन्होंने यहां पर शतक जड़ दिया है श्रीलंका के खिलाफ जानदार शानदार शतक जड़कर और बन चुके हैं फैब फोर में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। हालांकि वो जो रूट के बराबर हैं लेकिन उन्होंने मुकाबले बहुत कम खेले हैं, पारियां बहुत कम खेली हैं, तो इसलिए वो ये नंबर एक स्थान पर पहुंच चुके हैं। और भाई साहब स्टीव स्मिथ और अब जो रूट में तगड़ी लड़ाई होगी सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने की, ये तगड़ा कॉम्पिटिटर दोनों खिलाड़ी बहुत ही कमाल और लाजवाब है और दोनों खिलाड़ियों में कॉम्पिटिशन भी जबरदस्त हो रहा है। खैर दोस्तों ऐसे में ये रही आज दिन भर की कुछ बहुत ही मेजर और खासम खास खबरें, और अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े से स्टैट्स के बारे में। और भैया जब आज मुकाबला है भारतीय टीम का तो आंकड़े भी उन्हीं के आसपास ही डिस्कस होंगे, और आंकड़े ये कहते हैं कि भाई साहब जो लास्ट 4 T20 इंटरनेशनल विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं ना, उसमें से 3 उठाकर देखिए और 3 स्कोर आप देख लीजिए, 73, 77 और 80, और हर बार वो नाबाद रहे हैं, नॉट आउट रहे हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ कहीं ना कहीं खेलना बहुत ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है ये भारतीय कंडीशन में था लास्ट टाइम इंग्लैंड भारत में थे, तो वहां पर मतलब विराट का बल्ला काफी हल्ला किया था, क्या आज भी हल्ला करेगा? खैर करना चाहिए भैया, बहुत जरूरत है। और उसके बाद मेरा सवाल भी आप लोगों से यही है कि विराट कोहली को ही लेकर, क्योंकि ही इज इन लाइमलाइट और इस टाइम बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में है। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि क्या लगता है कि क्या विराट कोहली आज ओपन करेंगे? यार चर्चाएं थी, थोड़ी सी डिस्कस हो रहा था कि विराट कोहली ओपन कर सकते हैं क्योंकि आपको बड़े सारे प्लेयर्स फिट करने हैं। आप कैसे फिट करोगे, कैसे खिलाओगे, किसको रिप्लेस करोगे, किसको नहीं, क्या ईशान किशन ड्रॉप होंगे, विराट कोहली ओपन करेंगे, खैर आपको क्या लगता है, या फिर वो नंबर 3 पर खेलेंगे, ईशान किशन भी खेलेंगे, खैर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं, मुझे लगता है वो नंबर 3 पर खेलेंगे, पर आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्सक्लूसिव लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।